अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो मैं ऐसी जगह छुपती थी कि मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाता था। कहाँ? बाड़ी के अंदर। कबाड़ के अंदर चीकू हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जीजा जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं बच्चे बच्चे खेल रहे थे ना छुपन छुपाई, तो मैं भी बस उन्हीं के साथ खेल रही थी। अच्छा जीजा जी, हाँ? मैं आपसे एक बात पूछूं? जी। आप जितने हैंडसम हैं, जितने यंग हैं, आपको जीजा जी बोलना ना अच्छा नहीं लगता है, तो अगर मैं आपको जीजू बोलूं, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? जी जू जी जू जीजू। जीजू सुनिए ना, हम बाहर चलते हैं, बच्चों को यहाँ खेलने देते हैं। जी। वैसे पता है बचपन में हमें भी छुपन छुपाई खेलने का बड़ा शौक था। तो आप भी खेलिए ना हमारे साथ। हम? जी जू। एक काम करिए, आप छुप जाइए, मैं चीकू को बोलती हूँ, आपको ढूंढेगा। जी जू। जी जू। जी। लड़की का नाम? कालिंदी चटर्जी। कालिंदी चटर्जी, हाँ। और लड़के का? अभी अभिनव चटर्जी। अभिनव चटर्जी, हाँ जी। थैंक यू, आपका भाग्य अच्छा है, आपका काम हो गया। हमारा दोस्त वासु कोलकाता से मैरिज सर्टिफिकेट फैक्स कर रहा है। अरे वाह। दुलारी? जी दादी, लेकर आ रही हूँ। अरे मैं उठा देती हूँ। गलती से हो गया दीदी। कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ आपकी। अरे वो भी उठाइए ना। मैं पकड़ के आप डालिए डालिए डालिए, हाँ ये भी। जाइए जाइए, देरी हो रही है, जल्दी ले जाइए। चलो 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 जल्दी। हाँ। अरे आराम से, गिरिएगा मत। आज तो बड़ा तमाशा होने वाला है, बच्चे अलमारी में बंद है, चाबियों को कोई अता पता नहीं। केतकी, अलमारी की चाबियों की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना? पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? अरे वो छुपन छुपाई खेल रहे थे ना। क्या कालिंदी जी, आप भी ना, आपको तो छुपना था, आप तो यहाँ खुलेआम घूम रही हैं। आप भी ना जी। जू। पापा, आपने मीठी को देखा है? अरे बेटा, मीठी साले साहब के कमरे में होगी, जाओ जाके ढूंढो, जाओ। पर मैंने देख लिया, मीठी कमरे में भी नहीं है। बेटा मिल। क्या हुआ? माँ, क्या है ना, हम लोग, एक मिनट,
हम तुम्हारी माँ नहीं है। नानी हम सब खेल रहे थे और इन आंटी ने हमें छुपने को बोला था, अब मिट्टी कहीं पे मिली नहीं रही है। ऐसे कैसे हो सकता है, घर ही पे होगी ना। नहीं नानी, हमने सब जगह देख लिया, मिट्टी कहीं नहीं है। मीठी दरवाजा खोलने का कोशिश कर लीजिए। पिन तो टूट गया, फिल्मों में तो चोर बड़ी आसानी से ऐसे दरवाजा खोल लेता है। रहने दीजिए, आपसे ना ठीक से चोर भी नहीं बना जाता। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं 2 से नए नाम मिलाए के सारे शानदार एपिसोड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम। कालिंदी चटर्जी की शादी अभिनव चटर्जी के साथ। अब तुम्हारा खेल खत्म कालिंदी, आज हम तुम्हारा सच सबके सामने ला कर रहेंगे। प्लीज कुछ भी करके हमारी बच्ची अंदर बंद हो गई, उसको बस किसी तरह निकाल लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ दूँ। भैया जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए ना भैया, जल्दी कीजिए, बच्ची अंदर फंस गई है। क्या देख रहे हैं आप?
नहीं मैडम जी, इन चाबियों से ये लॉक नहीं खुलेगा। इसकी चाबी बनवाने के लिए लखनऊ ही भेजना पड़ेगा। चाबियां लेकर तुम घूम रहे हो, एक भी नहीं लग सकती क्या उसमें? अरे माता जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, इम्पोर्टेंट लॉक है, इसकी चाबी हमारे पास नहीं है। चाबी लेके भी लॉक नहीं खोल पा रहे, चलिए आइए, आइए जल्दी। नमस्ते। चलिए नमस्ते हो गया, चलिए। मीठी कुछ बोलो बेटा, कुछ बोलो। बहू, मीठी की आवाज नहीं आ रही अंदर से। मीठी तुम ठीक हो ना? हे भगवान, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मीठी अंदर, कहीं उसे कुछ। खबरदार, अगर एक शब्द और कुछ बोला तो। मेरी दादी से बात करो बेटा। दादी, आज एक बार केत की वापस आ जाए ना, तो मैं से सारी चाबियां लेकर आपको दे दूंगी। कम से कम आपके पास चाबियां रहेंगी, आप घर में तो रहती हैं, कभी ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो मेरे पास चाबियां तो होंगी। मिठी। माँ, माँ क्या हुआ, आप सब इतने घबराए क्यों हैं? क्योंकि मिठी बहुत देर से अलमारी में बंद हो गई, अलमारी की चाबी भी नहीं मिल रही। क्या? मीठी, 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 मीठी बेटा आप ठीक हो? मीठी, देखो मम्मा आई है। मम्मा इधर। मीठी कुछ बोलो बेटा, देखो मम्मी आई है। मीठी, मीठी बेटा मम्मा इधर है, बात करो। मीठी, मम्मा ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे बाबूरी, हम सब कोशिश कर रहे हैं कब से दरवाजा खोलने की, तुम ये बताओ चाबी कहाँ है? कि हम चाबी देखते हैं। मीठी बेटा, मीठी कुछ बोलो बेटा, कुछ बोलो, हमसे बात करो बेटा। मीठी बेटा, माँ चाबी कहीं नहीं मिल रही। मीठी, हाँ देखिए तो कब्र की चाबी कैसे खो सकती है? तुम्हारी गलती की सजा मीठी भुगत रही है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए, मीठी को, मीठी को कुछ नहीं होगा। हट जाओ तुम यहाँ से। अब कहाँ चली तुम? मीठी बेटा, मीठी, मीठी, मीठी बेटा, एक बार जवाब दे दो प्लीज। ऐसी हालत में भी तुम्हारी मम्मा बाहर चली गई, लेकिन मैं यहीं पर हूँ। मीठी, मीठी, एक कुल्हाड़ी से तुम क्या करोगी? माँ, मीठी कहाँ है? मीठी की आवाज यहाँ से आ रही थी। चाबियां जगह पर रखकर जाती तो आज मीठी के साथ ये सब कुछ ना होता। आखिरकार कहाँ रखी गई थी तुम चाबियां? अरे शुक्र मनाओ कि मीठी सिर्फ बेहोश हुई है, अगर कुछ और हो जाता
तो तुम अपने आप को माफ कर पाती? दादी ऐसा मत बोलिए, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मीठी मीठी आंखें खोलो, मीठी मीठी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। पानी दो, पानी गुटी का पानी, पानी दी। राम जी की कृपा, हमारी बच्ची को होश आ गया। बेटा बेटा, तुम अलमारी में कैसे गई? मम्मा, वो हम छुपन छुपाई। बेटा चल बच्चे, हम तुम्हारी नींद में पानी बता दी, रात के पास आ चल। आओ मेरे बच्चे। क्यों किया, क्यों किया? मैंने मैंने क्या किया? हमें पूरा विश्वास है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम मेरे ऊपर ऐसे कैसे कोई भी इल्जाम लगा? हमारे पति को तो छल कपट से तुमने छीन लिया, लेकिन हमारी बेटी की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा ना, तो इससे कुल्हाड़ी से तुम्हें चीर देंगे। एक पत्नी के रूप में भले ही हमारी हार हो गई हो, लेकिन एक मां के रूप में एक औरत की शक्ति का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। इस शक्ति से टकराने जाओगी तो भस्म हो जाओगी। मुझे डराने के लिए थोड़ी और कोशिश करनी होगी केतकी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कितनी भी शक्ति क्यों ना आ जाए, मेरे पागलपन का सामना नहीं कर पाएगी। क्योंकि केतकी, तुमने अब तक मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है। दादी, हम कभी भी छुपन छुपाई नहीं खेलेंगे। नो बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब से दादी हमेशा तुम पर नजर रखेगी। और दादी के रहते हमारी मिठू को कुछ हो सकता है क्या? मिठू ठीक तो है ना? अरे हमारी मिठू तो बहुत हिम्मत वाली है, इतनी छोटी सी बात में घबराएगी थोड़ी ना, है ना मिठू? बोलो मम्मी को। मिठी मिठी ठीक तो हो ना? तुम्हें घर लगी तो नहीं बेटा? ये सब हमारी गलती है, हमें इसे अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। बेटा मैं माफ कर दूं, मम्मा मम्मा बैड गर्ल बन गई, मम्मा को पनिशमेंट मिलना चाहिए, मम्मा को पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसे अकेले छोड़कर हमें जाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें हमारी गलती। कभी बैड गर्ल हो ही नहीं सकती है। मम्मा आप तो बहुत स्ट्रांग हो,
तभी तो आपने मुझे कबर से बाहर निकाला। मीठे बेटा, आप हमारी दुनिया हो, वो ही दुनिया जिसमें पहले दो लोग थे, लेकिन अब आप सिर्फ तुम हो, अनमोल हो तुम हमारे लिए। इसीलिए अब तुम्हें अपना खास तौर से ध्यान रखना होगा। वो आंटी कुछ भी कहे, उनकी बात नहीं सुनना। वो आंटी कुछ भी खाने के लिए देंगी, उसे मत खाना। उनके साथ कहीं पे भी मत जाना। और हमें प्रॉमिस करो कि तुम जो भी करोगी, जहां पे भी जाओगी, अपनी मम्मा और अपनी दादी से पूछ कर जाओगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। मम्मा, वो आंटी हमें चॉकलेट भी देगी तो हम नहीं लेंगे। हमारी प्यारी गुड़िया। हमारी प्यारी मम्मी। और हमारे प्यारे बच्चे। और हमारी प्यारी दादी हो। मीठी मम्मी कार्टून लगा के दे रही है। मम्मा, क्या हम चीकू भैया के साथ कार्टून देखे? जाओ। दादी, क्या हम चीकू भैया के साथ कार्टून देखे? चले जाओ, लेकिन शाम को हम पोयम याद करेंगे, ठीक है? ठीक है। माँ, हमने सही सोचा था। वो औरत जैसी दिखती है, उसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मतलब उसने जानबूझकर मीठी को। हाँ माँ, और इतना ही नहीं, हमें उसके बारे में बहुत बड़ी बात पता चली है। किरकी, किरकी, बोलो, मैं सह लूंगी तुम्हारे लिए बेइज्जती। रहने दो वरदान। वरदान नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। आप क्या नया इल्जाम लग रहा है केतकी पर? वरदान रहने दो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो वरदान। अरे क्या हुआ लल्ला, क्यों इतना शोर कर रहे हो? किस पे बरस रहे हो तुम? आपकी बहुरिया ने आज सारी हदें पार कर दी। कालिंदी को नीचे दिखाने की जब इसकी कोशिशें नाकाम हो गई, तो केतकी ने कालिंदी पर कुल्हाड़ी से वार किया है।